अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम आए हैं कैफे में और यहाँ पे हम आज कुछ यूनिक सी चीज़ें ट्राई करेंगे। तो रियाज साहब बताएं हम क्या ट्राई करेंगे आज। यहाँ पर डिफरेंट किस्म के पराठे होते हैं, बनाते हैं, चाय होती है, ठीक है, इनके बीफ पराठा और काफ़ी पिज़्ज़ा पराठा काफ़ी इनके जो है ना इधर पसंद किए जाते हैं। ठीक है, तो ये मीरपुर आज़ाद कश्मीर में ही है ना? जी जी, ये मीरपुर में है। ठीक है, तो बाकियों को भी पता चले कि ये मीरपुर आज़ाद कश्मीर में है। तो मीरपुर आज़ाद कश्मीर में आज कुछ नई चीज़ है, तो ये ट्राई करते हैं और इनसे मतलब तरीका भी देखते हैं कि कैसे कैसे बनाते हैं। जी, तो चलिए, इनके जो है ना काफी फेमस है, चलते हैं इनको चेक करते हैं। चलें, ठीक है, आइए चलें। हाँ जी रियाज साहब, बताएं इसमें अब क्या चीज़ है हमारे ऑर्डर पर जो सबसे मतलब इनकी फेमस है? वो तो इनसे पूछेंगे, मैं तो वैसे चाय में तो मैं मतलब इन्हीं भाई से पूछते हैं। भाई आप खुद बता देंगे क्या क्या है। यहाँ हमारा सबसे ज़्यादा चलने वाला पराठा है अरबिक पराठा, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में बहुत फेमस है। ठीक है, उसके अलावा? उसके अलावा पिज़्ज़ा पराठा है, फजीता पराठा है, ठीक है, चिकन चीज़ है, अगर आप कुछ हल्का फुल्का लेना चाहते हैं तो चिकन चीज़ है, चिकन अचारी है। ठीक है, अरेबिक पराठे कर लेते हैं ना, मतलब फिर हम डिफरेंट पराठे कर लेते हैं, दो तीन इनके जो स्पेशल है वो स्पेशल है वो आप कर लें और साथ मतलब पराठों के क्या। और हमारे पास नोटेला पराठा है जो मीठे में होता है, नोटेला पराठा। ठीक है, उसके साथ मतलब चाय है, चाय है, कॉफी है, चाय कॉफी सब कुछ है। इनकी जो है ना कश्मीरी चाय भी इनकी अच्छी है, स्पेशल चाय वो ट्राई कर लेते हैं। उसमें ड्राई फ्रूट होता है, ड्राई फ्रूट होता है, टॉपिंग चॉकलेट होती है, ड्राई फ्रूट में पिस्ता, बादाम, काजू और कोकोनट पाउडर होता है। ये भाई कौन सा पराठा बन रहा है अभी? ये अरबिक पराठा बन रहा है सर। ये अरबिक पराठा, ये वाला अरबिक है, ये चिकन, इसमें ये मायोनीज डली है और चिकन, चिकन मतलब ये सिंपल है या इसमें कुछ मिक्स मसाला है? नहीं, ये हमारी अपनी रेसिपी है। अच्छा, ये हम बताते नहीं है रेसिपी। अच्छा, चलो फिर जी। और ये आगे बीच में शिमला मिर्च, शिमला मिर्च, बंद गोभी। ठीक है, काफी क्वांटिटी की चीजें डाल रही है। तरीके से भाईजान इसको बंद कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत लगती है इस पराठे में। तो आई कॉन्ट वेट कि इसका टेस्ट कैसा है। भाईजान कितनी देर में ये पक जाते हैं मतलब पराठे? 10 मिनट लग जाते हैं इस अरबिक पराठे को, क्योंकि इसमें हल्की आंच पे बनता है बिल्कुल। अच्छा, मतलब आंच तेज नहीं करते? नहीं नहीं, ठीक होता है। 10 मिनट लगेंगे जी, कभी भी इसको 5-7 मिनट लगते हैं, बाकी इधर स्टाफ में जो टाइम लगता है। अच्छा अच्छा, ठीक।
ये अरेबिक हो गया और ये जो चिकन चीज़, ये जनाब इधर आए आपको क्लोज से दिखाते हैं, इसमें मतलब काफ़ी चीज़ी सा ये देखें, इसमें मतलब ये चीज़ एग बाकी चीज़ें आपको दिखाई हैं, और इसका भी आपको क्लोज दिखा देते हैं कि मतलब ये देखें चिकन चीज़, मतलब काफ़ी चीज़ी पराठे लग रहे हैं। अब इनका टेस्ट भी करेंगे फिर आपको बताएंगे। भाई जान अब हमारा खाना आ चुका है सारा, और ये दो काफ़ी हैं। वो कौन सी रहा? वो मैक का स्पेशलिटी है कॉफ़ी ऊपर, वो टी है जी, और ये क्रीमी कॉफ़ी है, ये क्रीमी कॉफ़ी है। और हमारा ये आ गया है रसगुल्ला जो है ना, रसगुल्ला वाली जो थी मतलब मीठा पराठा आ गया, मीठा था ये दूसरा, और ये हमारा चीज़ पराठा। और अब हम ट्राई करते हैं कि ये इनका टेस्ट कैसा है। पहले वो ना चेक करते हैं, ये वाला चेक करें ना पहले आप इसका रिव्यू दें। मुझे तो काफी अच्छा लगा दोबारा। अब ये वाला ट्राई करते हैं कि मतलब ये कैसा है, ये भी काफी अच्छा है। अब सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड था इस पराठे पे कि ये कैसा होगा, लेट्स ट्राई। मुझे सबसे मतलब पराठों में इसका बहुत मतलब आला टेस्ट है, मतलब दिल कर रहा है कि और खाऊं यार। इसको पूरा फिनिश करो, थैंक यू, अल्लाह। तो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो मैक भाई जो है ना, ये कोठी रोड एफ एम पे है, तो जब आपका जब भी चक्कर लगे इधर मीरपुर में तो आप जरूर ट्राई करेगा। और सबसे ज़्यादा मुझे वो पसंद आया जो मीठा इनका था, वो उनका क्या नाम था, न्यूट्रेला वाला, वो पराठा इनका बहुत अच्छा था। और मतलब रेट्स भी इनके काफ़ी ठीक हैं, मतलब हैवी नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है, उस हिसाब से मतलब टेस्ट बहुत अच्छा था। तो आज की वीडियो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर बताइएगा कि किस चीज़ पे हम बनाएं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।